हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ चैप्टर मैट्रिक्स। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मैट्रिसेज में प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। एक्चुअली लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से इनवर्स निकालने के लिए सीखा था कि कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला से हम लोगों ने क्या सीखा था इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इनवर्स का ए फार्मूला ड्राइव किया था और इससे इनवर्स फाइंड आउट करा था। ओके बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, तो ये जो भी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे बच्चों, वो कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इन्वर्टिबल होगा, मतलब जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लेना कि यहां पर जो भी प्रॉपर्टीज अपन लिखने वाले हैं सभी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो इन्वर्टिबल होगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहला प्रॉपर्टीज है कि ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आप लोगों ने डेफिनेशन में ही देखा था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, इस चीज को आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, दूसरा सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। यहां पर ए क्या होना चाहिए, अगेन वही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहने का मतलब जो इन्वर्टिबल हो, वेर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, वैसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग, ये चीज आप लोगों को पहले से पता है बच्चों। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज, ए ट्रांसपोज का इनवर्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो फिर ट्रांसपोज लो, और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो स्क्वायर मैट्रिक्स का और इनवर्स निकालो, दोनों बात बराबर होता है, मतलब दोनों इक्वल टू होता है, दोनों बात क्या होता है, बराबर होता है बच्चों, दोनों इक्वल टू होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है, जैसे ए इंटू बी, अब ए इंटू बी लिखा, इसका मतलब ए और बी दोनों मल्टीप्लीकेबल है। ठीक है, वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के कंडीशन को फॉलो करता है। अगर इसका हम लोग इनवर्स निकालें, मतलब दो मैट्रिसेज को पहले मल्टीप्लाई कर लें फिर इनवर्स निकालें, तो बच्चों ये किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स, मतलब ये चेंज हो जाता है। यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रॉपर्टी है बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, यही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको ना अपन बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको बच्चों हम लोग रिवर्सल लॉ के नाम से जानते हैं, रिवर्सल लॉ मतलब उल्टा। तो ए बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आएगा,
इसी तरह सपोज दैट ए बी सी थ्री मैट्रिसेज हैं, मल्टीप्लीकेबल है, थ्री मैट्रिसेज मल्टीप्लीकेबल है, तो ए बी सी का इनवर्स अगर अपन इसको रिवर्सल लॉ से लिखें तो आप उल्टा लिखने स्टार्ट करेंगे, कैसे, सी इनवर्स, देखो यहां से पहले सी फिर बी फिर ये, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए बच्चों, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फाइव नंबर, अगर बच्चों ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब आप जानते हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलते हैं, अगर ए का ट्रांसपोज डायरेक्ट ए के बराबर आ गया, ट्रांसपोज है ना, ये ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो ए को क्या बोला जाता है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर बच्चों इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन उसका जो इनवर्स होगा, अगर ये कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स भी, ए इनवर्स भी कैसा मैट्रिक्स होगा बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका इनवर्स भी कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। बच्चों देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है, आप देखो पहले क्या चीज है, नेक्स्ट नंबरिंग डाल लेना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, क्या पढ़ा था आप लोगों ने, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना कि केवल डायगोनल एलिमेंट को लिखते हैं, डी आई जे लिख करके डायगोनल एलिमेंट्स, अगर बच्चों अगर इसका आपको इनवर्स निकालना है, डायगोनल कहीं आपको डायगोनल मैट्रिक्स देखा आपने, कहीं पर डायगोनल मैट्रिक्स को देखा, कहीं पर आप डायगोनल मैट्रिक्स को देख लिया आपने और अगर उसका इनवर्स निकालना है तो उसका इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, रिमाइंड मैं करा देता हूं कि वैसे मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स को इन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है डी आई ए जी ऑफ ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी होता है ये क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होता है, डायगोनल मैट्रिक्स को इन शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डी आई ए जी, डी आई ए जी फॉर डायगोनल, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको यहां लिख देते हैं। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स का अपने को इनवर्स निकालना है तो बहुत ही आसान होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहली बात क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलता है वो डायगोनल ही होता है, और बस चेंजेस क्या होता है कि एलिमेंट रेसिप्रोकल में हो जाता है, मतलब ये है तो वन बाई ए, बी है एलिमेंट्स सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स बी है तो वन बाई बी, सी है तो वन बाई सी और डी है तो वन बाई डी। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल देखो, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स अपन ले लें, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होता है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, अगर बच्चों इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स, ठीक है, इसका इनवर्स निकालना है तो देखो इसका इनवर्स क्या होगा, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वन बाई ए, बाकी तो जीरो ही रहेगा, जीरो वन बाय बी, जीरो 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 वन बाय सी, ये डायगोनल, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसका इनवर्स ये हो गया। तो बच्चों अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, डी आई जे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स लिखते हैं कि नहीं, जैसे तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स केवल लिखते हैं तो वन बाय ए, वन बाय बी और वन बाय सी, डायगोनल इसको इन शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट कॉपी मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं क्या होता है। तो बच्चों ये क्या था आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, क्या चीज है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। एक प्रॉपर्टीज और हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, के इंटू ए का इनवर्स, के इंटू ए का इनवर्स,
मतलब क्या हुआ, पहले मैट्रिक्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई किए फिर उसका इनवर्स, तो ये होगा क्या, ए इनवर्स डिवाइडेड बाय के, मतलब ये जो के है वो डिवाइड में चला जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि मान लो कभी ए इनवर्स दिया हो, सपोज दैट ए इनवर्स दिया है आपको किसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ये दिया हुआ है। अगर पूछ लिया आपसे कि 2 into 2A इसका इनवर्स क्या होगा, 2A इनवर्स क्या होगा, तो ये बहुत ही आसान है, ये इनवर्स लिखा डिवाइडेड बाय ए, टू कहां चला जाएगा, नीचे इस तरह से। यानी कहने का मतलब इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, ये इनवर्स बाय के, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1/k into ये इनवर्स, तो ये 2 जो है यहां रेसिप्रोकल में होकर के 1/2 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई अगर अंदर करेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा आपका इस तरह से। क्या किया, ये इनवर्स गिवन है, आपसे पूछा 2a का इनवर्स, तो बहुत ही आसान है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ये जो k है ये इनवर्स बाय k हो जाता है, मतलब k डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/k into a इनवर्स, तो 2a का इनवर्स पूछ रहा है तो ये 2 क्या हो जाएगा, 1/2 into a इनवर्स हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गया होगा। बच्चों होता क्या है कि ये जो आपने प्रॉपर्टीज वगैरह लिखा, अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करो, अगर आप टेक्स्ट बुक की बात करते हो तो टेक्स्ट बुक में क्या किया ना, कोई मैट्रिक्स ए दे दिया और जो ये प्रॉपर्टीज आपको लिखा गया अभी बताया जितने भी प्रॉपर्टी, उसको एग्जांपल्स के साथ प्रूव करना है। जैसे ए और बी दे दिया आपको दो मैट्रिसेस, तो आपसे बोला गया कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूव करो, ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में बनाया, मतलब बोर्ड के एग्जाम में। लेकिन बच्चों अगर हम लोग बात करें कंपटीशन में, तो इनवर्स का प्रॉपर्टीज डायरेक्ट अप्लाई होता है, आईआईटी वगैरह में ही जो इनवर्स के प्रॉपर्टीज ही मेन होता है। ओके, अगर अपन हम लोग बात करते हैं आईआईटी मेंस और एडवांस का, तो बच्चों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के चैप्टर से, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो कहां से पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है, उसके एप्लीकेशन आता है। इनवर्स डायरेक्ट आपको नहीं बोलेगा कि आप फाइंड करो एक 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है, ये जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा उस पर बेस्ट क्वेश्चन देता है। फिर बात आती क्या, एक और चैप्टर, एक और टॉपिक, इसमें मतलब चार ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है पूरे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, और वहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आता है और आईआईटी मेंस में भी। क्या क्या टॉपिक, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकेंड चीज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी जेई एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू फाइंड द एडजॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड एग्जाम में एडजॉइंट से क्वेश्चन देता है तो छोटा क्वेश्चन देता है 1 मार्क्स का, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पूछ लिया जाता है। फिर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इनवर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इन बोर्ड एग्जाम और इन आईआईटी जेईई, क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स और एडजॉइंट, बोथ दोनों को मिक्स करके देता है। और थर्ड आता है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, और ये तो आईआईटी मेंस में हर एक पेपर में देता है, क्रेमर्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बोर्ड में क्या देता है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलो बच्चों अब हम लोग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम लोग देखते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बोर्ड के एग्जाम में 6 मार्क्स का देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या चीज है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इनवर्स ऑफ या स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मार्क्स क्वेश्चन फॉर जैक बोर्ड इन सीबीएसई, 4 और 6 मार्क्स, इट्स डिपेंड्स ऑन, इट्स डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर, ओके। कभी कभी 4 मार्क्स पे भी दे देता है सीबीएसई, कभी 6 मार्क्स पे, ओके। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, या तो हम लोग बोलेंगे रो कॉलम ऑपरेशन। बच्चों आप लोग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज में रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन लगाने के लिए सीख चुका है, क्या सीखा नहीं है? आर आई इक्वल टू बताया गया था कि आर आई प्लस के इंटू आर जे, और क्या पढ़ा था भाई, सी आई रिप्लेस्ड बाय सिमिलरली सी आई प्लस के इंटू सी जे, और क्या पढ़ा था भाई, आई एथ रो कैन बी इंटरचेंज विथ जे एथ रो, टू रोज कैन बी इंटरचेंज, ओके। और क्या चीज, सिमिलरली टू कॉलम्स कैन बी इंटरचेंज हियर मैट्रिक्स में, यहां पर आई एथ रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय के इंटू आई एथ रो, ऐसा हम लोग मैट्रिक्स में कर सकते थे, कर सकते हैं, डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं करने बोला था। अगर डिटरमिनेंट में करते हैं तो कैसे डिवाइड करना पड़ता है, क्या बताया था डिटरमिनेंट में कि जिस रो को, डिटरमिनेंट में क्या बताया था, जिस रो को आप चेंज कर रहे हो उसी रो में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए हम लोग को उस नंबर से डिवाइड करना पड़ता था। डिटरमिनेंट के केस में जिस रो को या जिस कॉलम को आप चेंज कर रहे हो अगर उसमें कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से, तो जिस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज दैट के से करते हो, तो वहां के से डिवाइड भी करना पड़ता था। लेकिन बच्चों यहां पर मैट्रिक्स में ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ध्यान रखो, यही दोनों में डिफरेंस है, यही दोनों में क्या चीज है, डिफरेंस है। तो ऐसा हम लोग कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम सेम टाइप का ऑपरेशन लगेगा जैसा डिटरमिनेंट में लगा था। हाँ एक बात ध्यान रखना है कि डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते थे कि एक स्टेप में रो ऑपरेशन लगाया तो नेक्स्ट स्टेप में अपन कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, डिटरमिनेंट में एक स्टेप में आपने अगर रो ऑपरेशन लगाया तो दूसरे स्टेप में कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, मतलब हम लोग रो कॉलम ऑपरेशन को आपस चेंज कर सकते थे, कहां डिटरमिनेंट में कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर अगर आप रो ऑपरेशन से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पूरा क्वेश्चन रो ऑपरेशन से ही फिनिश करना है, अगर कोई कॉलम ऑपरेशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो पूरे क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन से ही फिनिश करना होगा आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है बच्चों, हम लोग कैसे निकालते हैं, देखो अगर हम रो ऑपरेशन की बात करें, देखो एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आप रो ऑपरेशन ही लगाइए या कॉलम ऑपरेशन, यहां पर मैं दोनों ऑपरेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे, अगर रो ऑपरेशन लगाते हो, दूसरा चीज कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है।
एक क्वेश्चन में एक ही ऑपरेशन लगाना है, अगर रो आपने स्टार्ट किया तो रो ही लगाना है, कॉलम स्टार्ट किया तो कॉलम। क्या करेंगे कि ए इक्वल टू इसमें आई इंटू ए लिखेंगे, सबसे पहली बात। अब क्या करेंगे, ऑपरेशन लगा करके अप्लाइंग रो ऑपरेशन कन्वर्ट कर देंगे इसको, इस ए मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और इस ए को किसमें कन्वर्ट करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। और जो ऑपरेशन यहां पर, सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि जो ऑपरेशन ए में लगाओगे लेफ्ट साइड में, वही ऑपरेशन आई में लगेगा, और ये चेंज नहीं होगा, इसको एज इट इज लिखते जाना है। तो इसमें और इसमें सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है, दोनों में सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करना है इस ए में कि ये कन्वर्ट होते होते आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए, और जब जो ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं, जो ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं वही ऑपरेशन इसमें लगेगा, तो ये कन्वर्ट होकर के एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों अगर ये जो है इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो एज इट इज ये ही रहेगा, ये एज इट इज ये रहेगा। तो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा, आप सोचो यहां पर जो मैट्रिक्स आएगा ऑपरेशन लगते लगते, वो जो मैट्रिक्स आएगा वो कौन होगा, ये इनवर्स नहीं होगा, क्यों, लेफ्ट साइड में आई हो गया, तो आई हो गया ये है, तो ये इनटू समथिंग में जो भी मैट्रिक्स है यहां, ये तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जब ये एक दूसरे का ये इनवर्स होगा। तो यहां पर इस तरह से ये इनवर्स निकल जाएगा, और यहां क्या लगाएंगे अपन, रो ऑपरेशन यहां लगेगा, रो ऑपरेशन। ये बच्चों तरीका होता है रो ऑपरेशन में लिखने का, ए इंटू आई है, अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप लिखो ए बराबर आई इंटू ए, लेकिन अगर कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप ऐसे लिखो ए इंटू आई, ऐसा एनसीईआरटी बोलता है, ठीक है। तो बच्चों बोर्ड के एग्जाम में हम लोग पूरा एकदम जो भी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, लिखने का तरीका यही है, कॉलम ऑपरेशन में आई ए इंटू आई लगाओगे, फिर बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आई में, ये यही रहेगा, और जो ये आई है जो भी मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, ये कॉलम ऑपरेशन है। तो जैसा कि मैंने ये बताया आपको कि आप रो ऑपरेशन लगाओ या कॉलम ऑपरेशन लगाओ, या रो लगाओ आप कॉलम लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह लिखा रहता है कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ऑपरेशन भी लिखा रहता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा रहता है। तो बच्चों अगर किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो डायगोनल एलिमेंट्स को वन बनाना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो फॉर्म करना पड़ेगा। डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बनाना पड़ेगा, वन, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या बनाना पड़ेगा बच्चों, जीरो बनाना पड़ेगा। और आपको पता है किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को अगर जीरो या वन किसी में चेंज करना है तो अपने को ये ऑपरेशन लगाना पड़ता है, ये ऑपरेशन लगाना पड़ता है कि नहीं। तो जब रो ऑपरेशन लगाओगे, आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सीख चुके हो, जो बच्चे नहीं सीखे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को रिवाइज करो, पढ़ो उसको, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करो। अपन ने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराया है एनसीईआरटी का, बहुत सारे क्वेश्चन किया, कम से कम 5-6-7 तो किए ही हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक ऑपरेशन सीख जाओ, और सबसे बढ़िया होता है ना, ज्यादा हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं रो ऑपरेशन से, तो अगर रो ऑपरेशन भी सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है, सीखना आपको पड़ेगा। चलो बच्चों क्या होता है, एक सीक्वेंस, एक चीज बताता हूं, देखो एक अगर मान लो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया 3x3 ऑर्डर का, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है वो 3x3 ऑर्डर का ही आता है, एक मैं 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब सोचो, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग को पता है अभी मैं समझाया कि डायगोनल एलिमेंट्स को 1-1 बनाना पड़ेगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 बनाना पड़ेगा। अब होता क्या है, किसी बच्चे ने इसको 0 बनाया इसके हेल्प से, या तो इसको 0 बनाया इसके हेल्प से, तो ये तो 0 बन गया,
अब जब सेकेंड बार ऑपरेशन लगाने चाहा तो इसको जीरो बनाया इसके हेल्प से, अब जब इसको बना रहा है जीरो तब ये जीरो जो था वो कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक एलिमेंट को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, जब चेंज होता है तो पूरा रो चेंज होता है, पूरा कॉलम चेंज होता है, क्योंकि रो कॉलम ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या हुआ, किसी एक रो को इंटायरली चेंज कर देना या किसी एक कॉलम को पूरा चेंज कर देना। तो किसी ने क्या किया, इसको जीरो बनाया पहला स्टेप में, फिर दूसरा स्टेप में पता चला कि इसको जीरो बनाने के चक्कर में ये नॉन जीरो हो गया, जो जीरो था वो कुछ और हो गया। अब बेचारा परेशान परेशान रहता है यार, इसको जीरो कर रहे हैं, फिर दो चार स्टेप करने के बाद वो जो जीरो था वो नॉन जीरो बन गया। तो बच्चों जीरो जो फॉर्म करना है उसके लिए मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ऐसा आप एक रूल फॉलो करना कि ऐसा प्रॉब्लम आए ही ना, वो लोचा वाला चीज हो ही ना, मतलब जीरो बनाया फिर से वो नॉन जीरो बने ही ना, आप ऐसा सीक्वेंस फॉलो करो। तो वो सीक्वेंस क्या है, देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपको जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो जो फॉर्म करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और नहीं होता है तो चार पांच बार रिपीट रिपीट करके सुनो, है ना, बैक करो फिर सुनो कि यहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जो जीरो बनाना है वो डायगोनल एलिमेंट्स के हेल्प से ही फॉर्म करना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो डायगोनल एलिमेंट्स के हेल्प से बनाना है। क्या बोला, फिर से सुनो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो डायगोनल एलिमेंट्स के हेल्प से बनाना है, ये दिमाग में रख लिया, ठीक है। तो अब कैसे बनाना है सर डायगोनल एलिमेंट्स के हेल्प से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो, तो देखो बच्चों एक सीक्वेंस फॉलो करना, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट हो जाना, देखो कितने स्टेप में इसको खत्म कर देंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को आपको वन बनाना है ना, वन बनाना है अपने को, देखो नॉन डायगोनल को जीरो बनाना है, डायगोनल को क्या बनाना है, वन। तो सबसे पहले जो पहला डायगोनल एलिमेंट है उसको वन बना लो, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, फॉर्म ये वन वन इक्वल टू वन, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में, पहला स्टेप में आपको क्या करना है, या तो देखो ऊपर से चलो या तो नीचे से चलो, इस एलिमेंट को वन बनाओ, ये वन 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 बन गया, अब ये वन बन गया और इसी के हेल्प से अगर रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो, मैं रो ऑपरेशन की बात कर लू, रो ऑपरेशन, ठीक है, रो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, ऐसे जाएगा यू यू, है ना, हॉरिजेंटल ऊपर नीचे माइनस होगा, और कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है, वर्टिकल माइनस होता है ऐसे। तो बच्चों अगर हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो डायगोनल एलिमेंट था, उसको वन बनाया, तो सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं इसके नीचे, जैसे कौन, ए टू वन और ए थ्री वन, इसको जीरो बना दो, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ए वन वन। सोचो सेकेंड फर्स्ट स्टेप में इसको वन बनाया, फिर इसके हेल्प से जो फर्स्ट एलिमेंट है डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है उसके हेल्प से दो जीरो बन जाएगा, दो एलिमेंट जीरो बन जाएगा इसके नीचे वाला रो ऑपरेशन में। अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते ना तो ये दोनों जीरो बन जाता, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन में ऐसा ऐसा जाता, ये इसके साथ ऑपरेशन लगता, रो ऑपरेशन में ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ, मतलब सेकेंड और फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड, है ना। कॉलम ऑपरेशन में क्या होता है इसी तरह से, फर्स्ट सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इसके हेल्प से हो जाता है जीरो। अब देखो नेक्स्ट काम क्या करना है, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट कौन है, ए टू टू, इसको वन बना दो, वन बन गया। आप देखो रो ऑपरेशन में, रो ऑपरेशन मतलब समझ जाओ ऊपर नीचे ऊपर नीचे, रो ऑपरेशन मतलब ऊपर नीचे, रो ऑपरेशन मतलब ऊपर नीचे, है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और कॉलम ऑपरेशन मतलब लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट ऑपरेशन जो लगता है, यू यू माइनस, ऊपर रो ऑपरेशन में ऊपर नीचे माइनस होता है प्लस होता है, कॉलम ऑपरेशन में लेफ्ट राइट माइनस प्लस होना है। तो ये टू टू वन हो गया, और अपन रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ऊपर नीचे है ना, ए टू टू के ऊपर कौन है, ए वन टू है, और ए नीचे कौन है, ए थ्री वन, ये दोनों जीरो हो जाएगा किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ
ये 2-2। फिफ्थ पांचवी स्टेप, नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाओ, ये सॉरी 3-3 हो गया, ये 3-3 1 बन गया। अब रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो ऑपरेशन बात ध्यान रखना, ऊपर नीचे कॉलम ऑपरेशन, लेफ्ट राइट है ना, तो ये ऊपर नीचे, इसके ऊपर एलिमेंट है ना दोनों, नीचे तो है नहीं ऊपर है, तो ऊपर कौन एलिमेंट है, वह A13 और ये 2-3, ये 0 बना दो किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ये 3-3। और बच्चों ये 6 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो 6 स्टेप में आंसर आपके सामने और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता है ना, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में 4 मार्क्स का देता है, 2-4 साल से सीबीएसई वाला जो अगर पेपर चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ सीबीएसई का, तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में देने लगा। ओके तो बच्चों इस तरह से 6 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, अगर यही हम कॉलम ऑपरेशन लगाते तो लेफ्ट राइट होता, मतलब पहले तो ये 1-1 को ये 1 बनाते, फिर ये और ये 0 बनता इसके हेल्प से, आप लिख सकते हो मैं बता दे रहा हूं, फिर इसको 1 बनाते और कॉलम ऑपरेशन लेफ्ट राइट, इसके लेफ्ट और राइट वाला एलिमेंट 0 होता इसके हेल्प से, फिर इसको 0 1 बनाते और इसके हेल्प से ये दोनों एलिमेंट 0 बनता। आप चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है, मैं रो का ऑपरेशन कर लिख दिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समझे कि नहीं, मतलब कि अगर आप पहली बार सॉल्व करते हो तो आपको 10 मिनट लगेगा, सेकेंड टाइम सॉल्व करते हो तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, लेकिन बच्चों 5 से 6 मिनट तो लगना ही है, इससे तो कम लगता ही नहीं है, क्योंकि आपको एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना, अगर कहीं गलत हो गया ना प्लस माइनस करने में तो पता चलेगा कि पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया, हमारा आंसर ही नहीं आया, तो ऐसा काम नहीं करना है कि हम आंसर तक नहीं पहुंचे, इसलिए हर एक स्टेप में आपको सावधानी रखना होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आज मैं बता के जा रहा हूं ऐसे करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो आंसर आएगा इनवर्स का उसको आप तुरंत कैसे चेक कर लोगे कि सही है गलत है। हाँ तो एक तरीका होता है कि ए इंटू ए इनवर्स करो, अगर आई आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आंसर सही होगा, लेकिन उससे केवल पता कर सकते हैं ना कि आंसर सही होगा, ये तो पता नहीं कर सकते ना एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एलिमेंट्री ऑपरेशन से क्वेश्चन भी सॉल्व कराने सिखाऊंगा, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर टाइम है ना, टाइम उतना नहीं है, फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से सॉल्व करके आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो आंसर आया है उसको आप कैसे चेक कर लो विद इन 60 मिनट्स, और विद इन सॉरी 60 मिनट्स नॉट 60 सेकेंड्स, और विद इन इवन अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो 30 सेकेंड्स के अंदर आप आंसर चेक कर सकते हो। यानी मैं ऐसा चीज सिखाने वाला हूं कि 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आप 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हो, और भाई 1 मिनट में अगर इनवर्स निकाल लेते हो और जो आपका आंसर है उसको चेक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं। और मान लो कोई एलिमेंट एक गलत हो गया, जैसे कि मान लो आपने इनवर्स निकाला 3x3 ऑर्डर का, यहाँ 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 यहाँ, ये हो सकता है एक एलिमेंट गलत हो गया, यहां पर आपके कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो बच्चों इसमें भी तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो क्या करेंगे, जब रो ऑपरेशन से हम जब आंसर निकालते हैं तो मैं वेरी शॉर्ट ट्रिक जो बताने वाला हूं इनवर्स निकालने का, वो उससे आप इनवर्स निकाल लो और इससे मैच कराओ। अब एकाग आंसर अगर मिसमैच है तो यहां पर आप डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, है ना, कोई भी एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है 6 मार्क्स के इस तरह लेंथी क्वेश्चन का जहां कैलकुलेशन है, तो हर एक स्टेप को चेक नहीं करने जाता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन लगेगा वो अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करेगा। भाई हमसे जो पढ़ा है या जो ये वीडियो लेक्चर देख रहा है और जो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है वही ना इस प्रोसेस को अप्लाई करेगा, ऐसा थोड़ी कि दिस इज द हार्ड एंड फास्ट रूल
कि इसी तरह अप्लाई करें। ये तो मैंने सबसे आसान तरीका बताया आपको कि इससे छोटा नहीं किया जा सकता है अगर आपको 6 मार्क्स लाना है। हाँ, इससे छोटा कर सकते हैं, मैं 4 स्टेप में कर दूंगा क्वेश्चन इसको, लेकिन 4 स्टेप में करेंगे फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, सुनारी बात। तो मिनिमम 6 स्टेप्स में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा काम हम लोग आंसर ले सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट टीचर एग्जामिनर क्या करता है, आंसर चेक करता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर करिए और लाइक भी करें बच्चों, और कमेंट करो, है ना, कि नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को, आप कमेंट करना है कि नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना चाहिए। आप कमेंट करिए कि नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 2 लेक्चर में फिनिश होने वाला है। इनवर्स का क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए। फिर एक और लेक्चर में हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, उसके बाद बच्चों ये फिनिश हो जाता है चैप्टर। हाँ, उसके बाद IIT वगैरह का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन जितना भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो कि नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करना चाहिए, मैं भी देख लूँ थोड़ा सा आप लोग के तरफ से क्या आइडिया आता है। ओके बच्चों, थैंक यू।